Welcome guys, a very beautiful morning to all, and again we all are here to discuss our morning session. और हम लोगों ने आज morning में क्या दिया? तो हमने देखा था sets, और sets में हम लोगों ने different types of sets पढ़ने की कोशिश की थी. तो आइएगा इस जर्नी में फिर से एक बार नए से शुरुआत करते हैं सेट्स की, और जानते हैं भैया ये सेट है क्या. तो लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, सेट्स सेट्स क्या होता है ये सेट्स. तो चलिएगा सबसे पहले सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज हियर. एक किचन ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा, क्या मजाक कर रहे हैं मैडम बोलना. What is the relation of kitchen organizer and the set? क्या कोई रिश्ता है? सोचना है यार, जब तक के सोचोगे नहीं तब तक के आगे बढ़ोगे नहीं. क्योंकि जितनी अच्छी सोचने वाली बात तो यहां से शुरू हो जाती है बेटा, कि क्यों NDA क्रैक करने के लिए इतने टॉप मोस्ट पोजिशन पे मैथमेटिक्स ही क्यों, फिजिक्स क्यों नहीं, लैंग्वेज क्यों नहीं, केमिस्ट्री क्यों नहीं, गैट क्यों नहीं. ये सोचने वाली बात है. यहाँ पे हम लोग किसी को ऊंचा नीचा नहीं करा रहे, कीप इन द माइंड, पर हम लोगों को सोचना जरूरी है क्यों, कैसे, कहाँ. जब हम लोग ये तीन चीजों को ढूंढने निकलते हैं वो समय पे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. सेम लाइक दैट हमें ये सोचना बनता है कि मैथमेटिक्स ही क्यों टॉप मोस्ट पे. मैथमेटिक्स का पेपर अगर क्लियर हुआ तो ही क्यों NDA रिटर्न में बाकी पेपर चेक होते हैं, क्यों इसको इतना महत्व, क्यों मैथ्स को इतना ग्लैमर. क्योंकि ये बहुत प्यारा है, ये जिंदगी से लेके चलता है, ये जिंदगी को रिलेट करता है. वो चीजें, वो छोटी 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 चीजें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. एंड सेम लाइक दैट ये किचन का सेट के साथ क्या रिश्ता बला. तो आइएगा जानते हैं क्या रिश्ता. तो किचन इज द मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल ऑफ सेट. एंड व्हाई इट्स द मोस्ट एग्जाम्पल, सी माँ, अवर मदर ऑलवेज कीप्स द किचन वेल अरेंज. होता है क्या नहीं, शुरू लाइव क्लास में टक से उठ के जाओ मम्मी के किचन, तुम्हारी रूम गंदी हो सकती है यार. एक बुक ऊपर होगा, एक बुक नीचे होगा, टेक्स्ट बुक में बीच में ही आपने कॉपी घुसाई होंगी, पेन कहीं अलग फेंका होगा, इरेजर कहीं अलग होगा, चेयर कहीं अलग है. ये आपकी रूम है. मम्मी की किचन ऑलवेज वेल अरेंज रहती है. द प्लेट्स आर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बाउल्स एंड द कर्व्स. द सेट्स ऑफ सिमिलर यूटेंसिल्स आर केप्ट सेपरेटली. हर एक चीज बहुत ढंग से रखी जाती है. ये मम्मी को भी पता नहीं है कि वो मैथ्स के सेट के साथ डेली आमना सामना होता है उसका करके. नाउ सी माय डियर, सेट्स में हर एक चीज. मान लीजिए दिस रैक इज आई कंसिडर एज अ रैक ऑफ स्पाइसेस, तो मैंने सेट बनाना. एंड दिस स्पाइसेस, रैक ऑफ स्पाइसेस belongs to the किचन ऑर्गेनाइजर, belongs to the, समझ में आया, यहां पे belongs to, यहां पे belongs to. ये एक चीज. सेकंड, इफ आई कंसिडर दिस यूटेंसिल, सो दिस ऑल आर belongs to the किचन ऑर्गेनाइजर, इवन दो दिस ऑल थिंग्स, दिस प्लेट्स एंड बाउल्स एंड एवरीथिंग विच इज केप्ट सेप separately, that all are the well organized, well arranged, and that's why this is the most relevant example of set, which is more related with our real life. And see my dear, one more example जो जिंदगी को लेके चलता है. जब से शुरुआत की, जब से स्कूलिंग लाइफ शुरू हुआ तब से इसकी और हमारी दोस्ती है. इससे दोस्ती करना ही पड़ता है. क्या है ये, स्कूल बैग है ये. और क्यों ना दोस्ती करे यार, इसमें हम लोगों के बुक्स रहते हैं, टेक्स्ट बुक रहते हैं, कॉपीज रहती है, वाटर बॉटल रहता है, टिफिन बैग रहती है, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर स्कूल, वो जो हमारे स्टडिंग अवर्स रहते हैं उसके लिए. एंड दैट्स व्हाई
school bag of children's, not only children's, everyone's school bag. वो आप कॉलेजेस हो या आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हो, चाहे फिर आप अभी 11th में आए हुए प्यारे प्यारे नए नए बच्चे हो, everyone required the school bag and the school bags having usually the divisions, जिसको मैंने packets बोले, pockets बोले, that pockets are considering as a usually divisions in a school bag, where क्या रहता है? Sets of notebook, sets of textbook and which are separately. कुछ बच्चों की स्कूल बैग देखना बेटा, इतनी सुंदर तरीके से रखी हुई रहती है. वाटर बॉटल अलग है, बुक अलग है, कॉपी अलग है, नोटबुक अलग है. सो दिस इज अगेन द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल बन गया, दैट इज द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस सेट. गेट इन माय पॉइंट? चलिएगा फिर और एक चीज लेते हैं. व्हाट्स दिस गैलेक्सी? क्या ये गैलेक्सी है? Yes, so see my dear, as we all know that there are millions of galaxies present in our world, million of galaxies, and which are separated from each other by some distance, and here the universe act as a set. Pura ka pura universe, ye set hoga. Set kiska? To set of galaxies ka, and that's why this is again an example of set. So let's move with on our topic. Kya tha? Hum logo ne do form padhe the, and out of that two form, first one is a set builder form. Set builder? No. First one is a roster form. Roster form is also called as a listing method. Roster form is also called as a listing method. Get in my point? And second one, that is a set builder form. Set builder form also called as a property method. Property method also called as a rule method. And third one, which is nothing but the Venn diagram. Ek English logician ne isko dhunda hai, John Venn jiska naam hai. और इसने बताया कि वेन डायग्राम में आप इनक्लोज कर सकते हैं. एक लॉजिशियन जिसने लॉजिक लगाया ये ऐसा हो सकता है, और वैसे वैसे डायग्राम्स बनते गए. वेन डायग्राम्स कौन से डायग्राम में जाते हैं? ट्रायंगल में दिखा सकते हैं, सर्कल में दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल में दिखा सकते हैं. कंडीशन ये है वो हमेशा क्लोज्ड ही रहने को होना, उसकी कोई साइड ओपन नहीं, ठीक है ना. एंड ओपन बॉक्स, ये गलत है, ये वेन डायग्राम नहीं है. टू साइडेड एंगल, नो इट्स नॉट मेकिंग अ वेन डायग्राम. और उसी वजह से वेन डायग्राम ये ट्रायंगल को, सर्कल को, रेक्टेंगल को, क्या फिर किसी भी क्लोज फिगर को लेके चलती है, विच इज शोन से सम पॉइंट. अभी मैं इसको मान लेती हूं, मेरे पास अभी तीन सब्जेक्ट है, ठीक है. मैं पीसीएम ग्रुप के तीन सब्जेक्ट ले लेती हूं. आई जस्ट कंसीडर हियर द मैथ्स. यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया बेटा फिजिक्स, और यहां पे आई जस्ट कंसीडर द केमिस्ट्री. तो होता क्या है, ये वेन डायग्राम्स और ये वेन डायग्राम्स चलते चलते एक दूसरे में घुसड़ मुसड़ गए, ओवरलैप हो गए. और ये ओवरलैपिंग में हुआ क्या, इतना जो पोर्शन है जो हमें ऐसे मिला, एक पंखुड़ी मिल गई, ये पोर्शन किसको लेके चल रहा, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री. एंड इंपॉर्टेंट है ये किसे लेके चल रहा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री को लेके चल रहा, कोई दिक्कत नहीं. दूसरे पे जाते हैं, दिस मच हरा हरा भरा भरा पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट किसे, तो मैथ्स एंड फिजिक्स. मैथ्स एंड फिजिक्स, ये बहुत ईमानदार हो जाता है यार, कि एंड है कि और. एंड तीसरा पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन किसे लेके चल रहा, सो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा हमें आगे जाके, ठीक है. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है.
और जो पोर्शन ग्रे शेडेड दिख रहा वो पोर्शन रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सबका एंड एंड एंड, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट बनता है किसी भी वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट सेट आई डिनोटिंग इन सच अ वे, सेकंड सेट मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला, थर्ड सेट आई पुट इन अ ट्रायंगल, और इसी तरीके से देखिए डायग्राम में क्या हलचल हो रही, मिक्स हो रहा बाहर निकल रहा, मिक्स हो रहा बाहर हो रहा। तो जब कंबाइन हो जाता है वो समय पे उसे कहा जाता है यूनियन, और थोड़ा सा ही पोर्शन कंबाइन होके एक पंखुड़ी लाइक हो जाता है तो वो हो जाता है इंटरसेक्शन। मैं इसके बारे में भी बहुत और नॉलेज दूंगी, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमेशा हमें लायोसेशन ज्वाइन करना होगा, और अगर लायोसेशन में नेटवर्क इश्यू आ गए तो हमें मैडम का ये रिकॉर्डेड पोर्शन देखना होगा, ये सेशन अटेंड करना होगा, तभी तो जान पाएगी इन सब प्यारे प्यारे बातों बारे में। चलिए फिर से एक कंसेप्ट याद रखना, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट में कितने एलिमेंट सर्वाइव है कर रहे हैं, कितने एलिमेंट्स है, इसे कहा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, सेट ए विद द एलिमेंट्स 5 2 3 4। अभी ये 5 2 3 4 में चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। Now take one more example. If I considering set P with A, E, I, O, U, that is set of vowels, तो फिर मैं इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, N of P containing the 5 elements, that is equals to 5। चलिएगा next पे क्या है पिटारे में देखते हैं, empty set। Empty set यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, that doesn't containing any element is called as a empty set, is also be called as a null set, it having the one more name also be called as a void set, ठीक है। तो फिर चाहे वो empty हो, चाहे वो null हो, चाहे वो void set हो, मतलब same ही रहता है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। और जो डिनोट किससे करना, तो कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से। इसको पढ़ना कैसे, इसको बोला फाइ, इसको क्या बोलोगे आप, तो फाइ देखिए फाइ कुछ ऐसा रहता, बॉक्स तो मिल गया, सेट तो मिला, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं, तो वो होता है बेटा नल। अरे अरे ऐसे किसी को गिफ्ट दे दिए और खोलने के बाद पता चला कुछ भी नहीं है, गालियां मारेगा यार अपने को कोई। सेम लाइक दैट एम्प्टी सेट, फाई सेट, नल सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, और किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर नहीं रहते तो उसको कहा जाता है नल सेट। अगर मैंने बोला बेटा सेट ए इज अ एलिमेंट ऑफ एन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 1 <x> 2। मैं कहना ये चाह रही हूं कि मुझे सेट ए में एक नेचुरल नंबर होना है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये कौन सी बात हो गई, नेचुरल नंबर तो शुरू ही ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 नैया चलते जाते, और हमारे पास नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है यार जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, यहाँ पे कोई बीच में है ही नहीं। इसका मतलब ये कहानी, ये कंडीशन जो देगी वो क्या होगा, फाइ सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। डिनोट किससे करोगे, कुछ इस तरीके से लेटर से। समझ में आया, चलिएगा फिर एक लास्ट एंड वन मोर टर्म ले लेते। क्यों इतना खुश हो रहा है ये, क्योंकि आप भी खुश हो रहे हैं, मैंने बोला जैसे ही ये लास्ट है। नाउ सी, सिंगल टोन, अकेला इंसान, सिंगल अकेला, सिंगल टोन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जीरो ही क्यों ना हो, तब भी वो खुद को क्या कहलाएगा बेटा, सिंगल टोन सेट। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस सिंगल टोन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। नाउ 0 इज अ होल नंबर, एंड इफ
any set containing the zero, it means that set containing the one element, and that's why cardinal number for that is n of A is equals to 1. And this is all about the how we can deal with the Venn diagrams, ki ye natak kya hota hai Venn diagrams, aur humne padha two different types of set. First one is a empty set and second one is a null set. Aur mere paas types of set mein aur bahut sare set baki hai, par uske liye hame kya karna hoga, next live session attend karna hoga, aur next live session ke baad ka recorded class बहुत ही अटेंटिवली सुनना होगा. तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा.